बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम अपने चैनल आयन ब्लॉग में आपके लिए के आए हैं रॉयल का एसीडीसी इन्वर्टर फ़ैन। इसके बारे में आपको पूरा बताएंगे भी, किसका इंस्टॉलेशन होता है और इसके रिव्यू भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए रॉयल फ़ैन। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल आयन ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर दें ताकि हमारे जितनी भी न्यू आने वाले वीडियो है आपको बआसानी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बाकी दोस्तों देख सकते हैं आप कि अभी हम फ़ैन की जो है कनेक्शन कर रहे हैं, फिटिंग कर रहे हैं इसकी। आप ये देख सकते हैं, बाकी दोस्तों भी हम ये इसमें तीनों पर लगाएंगे। और दोस्तों जब तक इसकी फ़ैन की हम बात करते हैं, तो दोस्तों ये फ़ैन जो है हमें जो है मार्केट से हमें पड़ा है 5400 का पड़ा है। ये डिज़ाइनिंग वाला फ़ैन है, इसमें सादे वाले फ़ैन भी आते हैं जो कि आपको 5100 का मिल जाएगा, वो मतलब सादे फ़ैन होते हैं। ये वाला जो फ़ैन है ये डिज़ाइनिंग वाला फ़ैन है, इसकी नीचे डिज़ाइनिंग हुई भी है, आपको 5400 का पड़ जाएगा मार्केट में। और इसकी जो है मोटर की जो वारंटी है वो जो है तकरीबन 3 साल की वारंटी दी है इन्होंने, और जो इसका कार्ड लगा हुआ है उसकी वारंटी इन्होंने 6 महीने की वारंटी दी है। बाकी दोस्तों फ़ैन की बात करें तो नॉर्मल फ़ैन से ये बेहतर है। इसको आप जो है सोलर पेड पे भी लगा सकते हैं, बैटरी पे चला सकते हैं और जनरेटर वगैरह सब पे चल सकता है, स्पीड इसकी तेज़ आएगी। आम पंखे वोल्टेज का मतलब स्लो आते हैं, इसकी स्पीड स्लो नहीं होगी, इसकी स्पीड तेज़ चलेगी। और ये के इलेक्ट्रिक अगर आप चलाते हैं ठीक है, उस पर ये आपको 50 वाट लेगा ये चलने में, और अगर बैटरी भी चलाते हैं 12 वोल्ट के उसमें कनेक्शन दिया हुआ है तो उसमें हम 12 वोल्ट भी चला सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी दोनों कनेक्शन दिखाऊंगा उसको आपके कौन कौन से कैसे लगे हुए। बाकी दोस्तों अगर फ़ैन की बात की जाए, फ़ैन जो है चलने में अच्छा है, कंपनी अच्छी है रॉयल की कंपनी में। मैं तीसरा फ़ैन लगा रहा हूँ तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। बाकी ये कि इसमें यह कि आपके 50 वाट ले रहा है, नॉर्मल फ़ैन जो होता है वो तकरीबन 75-80 वाट लेता है। अगर वो अगर पंखा हीटअप वगैरह हो जाए, कॉइल वाला हीटअप हो जाए तो वो 90 वाट भी लेते हैं। तो ये है कि आपकी 30-40 वाट का समझ लो आपका बचत हो रही है, मतलब बिजली के बिल में थोड़ी कमी हो जाएगी। अगर आप अपने सारे घर में ये फ़ैन लगा लेते हैं तो आपका बिजली का बिल जो बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगा। जिस तरह देख सकते हैं गर्मियों का टाइम चल रहा है इस टाइम, तो केले के वाले जो है मुँह फाड़ लेते हैं और मीटर तो समय भाग रहा होता है। तो ये लगाएंगे इंशाल्लाह जो है इससे जो है ना मीटर जो है आपका स्लो हो जाएगा, बिजली का बिल कम आएगा। और अगर आप इसमें अगर पेड़ वगैरह लगा लेते हैं वो तो फिर आपके लिए वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर प्राइवेट लाइट बैटरी सिस्टम करते हैं सोलर पे लगाते हैं अगर, तो वो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा। फिर तो की इलेक्ट्रिक जान छूट जाएगी और बिल आपका बिल्कुल कम हो जाएगा, जो सर्दी वगैरह बिल आता है वो आएगा। बाकी मुख्तलिफ कंपनी जो आपको समझ में आए वो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये देखें, ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें देखें बैटरी है और UPS भी चला सकते हैं, जनरेटर पर चला सकते हैं, और KAC या बाबडा जो भी आपका सर्विस अवेलेबल है उस पर आप यूज़ कर सकते हैं, और सोलर प्लेट पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये है रॉयल फ़ैन। दोस्तों ये रिमोट है इसका, ये रिमोट दिखा दूँ उसकी सब चीज़ें हैं। ये रॉयल का रिमोट है और इसमें पूरे फंक्शंस में दिए हुए हैं। इसमें ये जो ऊपर का लाल बटन है इससे ऑन होगा, स्मार्ट वाटर जो बटन है इससे जो है ऑन होता है, और 20 के बटन से जो ये फुल हो जाएगा। ये सारे कंट्रोल दिए हुए हैं स्पीड स्लो हाई के, और ये 1H 2H 4H लिखा हुआ, ये आपके घंटे हैं, आपको 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे जितने भी चलाने पे सेट करते हैं ऑटोमेटिक चलेगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। और दोस्तों ये पीछे छोटे से 2 सेल लगते हैं। और दोस्तों ये देखते हैं, डीमर से इसको ना चलाएं, ये डायरेक्ट बटन से ऑन ऑफ हुआ है, डीमर जो है निकाल दिया अगर आप फ़ैन लगाएं तो। दोस्तों ये है
इसका सर्किट जो काट के लाता है। तो इसमें देख सकते हैं ये दोस्तों, ये जो कनेक्शन है ये है 12 वोल्ट डीसी, इससे आप जो है बैटरी वगैरह पे सोलर पे चला सकते हैं। ये कनेक्शन वाला है, और ये वाला कनेक्शन जो है ये है 220, जिसे आप केसी या वापडा पे चला सकते हैं। बाकी जो है इसमें जो है एक सेंसर दिया हुआ है, वो दिखाता हूँ। ये देखें, ये सेंसर दिया हुआ है जिससे रिमोट काम करेगा। और इसका जो ये कनेक्शन है, ये के साइड में यहाँ पे पिन दी हुई है, कार्ड के अंदर ना ये पिन दी हुई है, यहाँ पे जो है इसकी पिन अटैच होगी, कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आ गई है। और इसी कार्ड की जो है इन्होंने 6 महीने की वारंटी भी दी है। तो दोस्तों ये हम जो है कनेक्शन करते हैं इसके, हम जो इसमें भी कनेक्शन कर रहे हैं ये कर रहे हैं 220, मतलब कि इलेक्ट्रिक पे चलाने के लिए हम जो है इसको लगा रहे हैं इसको, क्योंकि अभी हमारे पास सोलर वगैरह नहीं है, हम थोड़े बिल की कमी के लिए हमने इसको लगाया है। बाद में जो है हम इसको सोलर प्लेटों भी लगाएंगे, बैटरी सिस्टम भी करेंगे, उसके लिए भी हम इसी में से लाइन उतार देंगे, जबकि इलेक्ट्रिक भी चलाएंगे, वरना बैटरी भी चलाएंगे, सोलर भी चला लेंगे। तो ये भी जो कनेक्शन कर रहे हैं ये हम अभी 220 पे कर रहे हैं इसको कनेक्शन। और इसमें दोस्तों हम एक साथ जो है दो लाइन उतार सकते हैं, अब जैसे हम इसकी अभी 220 की लाइन उतार रहे हैं ना, तो जो हम बैटरी लगा लेंगे तो बैटरी का जो कनेक्शन जो हमने दिखाया था 12 वोल्ट डीसी का, तो उसमें से एक और लाइन हम और निकाल लेंगे। तो हमें दो लाइन निकाल के एक हमारी जो है 220 पे चलती रहेगी, जो कि इलेक्ट्रिक चलेगी। बाकी जो है अगर हम सोलर सिस्टम लगाते हैं, अगर हम सोलर सिस्टम में बैटरी नहीं लगाते, सिर्फ सोलर सिस्टम लगाते हैं, तो दिन के वक्त में जब तक जो है सूरज की रोशनी पड़ेगी उस पर, तो जब तक तो समझ लें आपको फ्री में आपका फ़ैन चलेगा। और शाम में आप जो है चाहे वो तो 220 भी चला सकते हैं आप, और आप बैटरी वगैरह लगा लेंगे तो और ही अच्छा है, फिर तो आप टोटली आपका फिर जो है डे और नाइट जो है टोटली जो आपका जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपका इससे चलेगा, कि इलेक्ट्रिक तक भी जान छोड़ जाएगी। तो दोस्तों ये हम जो है इसकी फिटिंग कर रहे हैं, इसमें हम पाइप वगैरह लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा फ़ैन जो है एकदम रेडी हो चुका है लगने के लिए, तो बस उसको हम लगाते हैं ऊपर। तो दोस्तों हमारा फैन रेडी हो चुका है, इसको हम जो है ऑन करेंगे रिमोट से। दोस्त देखिए डायरेक्ट चल गई, इसको हम बड़ा बंद करके, ये बंद किया इसको हमने, और अब इसको दोबारा ऑन करेंगे हम। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फ़ैन एकदम रेडी हुए लग गया है, चल रहा है फर्स्ट क्लास स्पीड भी तेज़ है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दिएगा,
और हमारे चैनल आयन ब्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।